हाय फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अकबर शेख। मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब के लाल बटन को दबाइए और बाजू के बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि आपको हमेशा वीडियो मिलते रहे। आज हम बात करेंगे प्रोस्टाटाइटिस की, उसके लक्षणों और कारणों की, और साथ ही बात करेंगे निदान कैसे करना है। प्रोस्टेट यानी क्या, पहले समझते हैं। प्रोस्टेट यानी अखरोट के आकार की पुरुषों में रहने वाली एक ग्रंथि है। वह यूरिनरी ब्लैडर के नीचे और गुदा द्वार से आगे स्थित रहती है। अब समझते हैं प्रोस्टेट ग्रंथि के कार्य को। प्रोस्टेट ग्रंथि का कार्य पुरुषों में वीर्य तैयार करना। प्रोस्टेट ग्रंथि यह एक पुरुषों में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जिसका कार्य है वीर्य के घटकों में से एक सेक्रोट्रेस्टेट नामक द्रव को तैयार करता है और वीर्य को यूरेथ्रा के रास्ते जननेंद्र से बाहर फेंकना है। अब देखते हैं प्रोस्टेटाइटिस यानी क्या। जब प्रोस्टेट ग्रंथि में सूजन या नरम पड़ जाती है या प्रमाण से ज़्यादा बड़ी होने की स्थिति को ही प्रोस्टाटाइटिस कहते हैं। अब देखते हैं प्रोस्टाटाइटिस के कारण और लक्षण। प्रोस्टाटाइटिस यह बीमारी चार प्रकारों में दिखती है, इसलिए इसके लक्षण भी अलग अलग होते हैं। एक्यूट बैक्टीरियल प्रोस्टाटाइटिस यानी तीव्र जीवाणु संक्रमित प्रोस्टाटाइटिस। इंसान को यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होने से और वह इन्फेक्शन प्रोस्टेट ग्रंथि में होने से यह परिस्थिति निर्माण होती है। अब देखते हैं इसके लक्षण। मरीज को ठंडी बुखार होना, स्क्रोटम और लिंग के बेस में दर्द होना, कमर दुखना, संडास आने जैसा लगना, जोर से पेशाब लगना, बार बार पेशाब लगना और पेशाब की जो धार का फोर्स है वो कम होना। दूसरे नंबर पे है क्रॉनिक बैक्टीरियल प्रोस्टाटाइटिस यानी पुरानी या दीर्घकालीन जीवाणु संक्रमित प्रोस्टाटाइटिस। इसमें मरीज को सौम्य प्रकार का यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होने से और वह इन्फेक्शन प्रोस्टेट ग्रंथि में होने से यह परिस्थिति निर्माण होती है, लेकिन यही इन्फेक्शन मरीजों में प्रोस्टाटाइटिस का कारण बनता है। इसमें लक्षण सौम्य प्रकार के होते हैं और वह कम होते हैं, लेकिन समय बीतने के बाद एक साथ बढ़ जाते हैं। इसके लक्षण थोड़े अलग होते हैं। पेशाब जरा ज़ोर से लगना, इसका मरीज अक्सर आधी रात में पेशाब को उठता है, पेशाब करते वक्त दर्द और जलन महसूस करता है, उसको जलन ज़्यादा महसूस होती है, इंटरकोर्स के बाद दर्द होना, कमर दर्द होना, गुदा द्वार में दर्द और अंडकोश में हल्का हल्का दर्द रहना और अंडकोश वजन महसूस होना, कभी कभी पेशाब में खून आना और पेशाब रुक भी जाती है कभी कभी। तीसरे नंबर पे है क्रॉनिक प्रोस्टाटाइटिस या क्रॉनिक पेल्विक पेन सिंड्रोम भी इसे कहते हैं। दीर्घकालीन लोअर एब्डोमेन में पेन, यह स्थिति साधारण है और इसके लक्षण संक्रमित प्रोस्टाटाइटिस जैसे ही होते हैं। चौथे नंबर पे है असिम्प्टोमेटिक प्रोस्टाटाइटिस, अलक्षणिक प्रोस्टाटाइटिस। इस अवस्था में प्रोस्टेट ग्रंथि बढ़ी हुई रहती है लेकिन कोई लक्षण नहीं दिखाई देते। इसमें मरीज में नपुंसकता आ सकती है। प्रोस्टाटाइटिस कब हो सकती है यह देखना भी जरूरी है। अब जब उम्र अक्सर 45 साल से ज़्यादा, यूरिन इन्फेक्शन हो और वेनरल डिजीज पॉजिटिव हो, पेट के निचले हिस्से में मार लग गया हो या कैथेटर का लंबे समय से इस्तेमाल किया गया हो, अगर मरीज ने कभी प्रोस्टेट बायोप्सी की हो, अगर पेशेंट एचआईवी या एड्स पॉजिटिव है, बढ़ी हुई प्रोस्टेट ग्रंथि या प्रोस्टेट किसी भी उम्र के पुरुषों में दिख सकती है। अब देखते हैं इस बीमारी से होने वाले कॉम्प्लिकेशन या खतरे। किसी भी समय पेशाब पूरी तरह रुक कर मरीज को इमरजेंसी ट्रीटमेंट या सर्जरी की ज़रूरत पड़ सकती है। प्रोस्टाटाइटिस होने के बाद पेशाब कभी भी क्लियर न होने से यूरिनरी इन्फेक्शन होने की संभावना ज़्यादा रहती है, या पेशाब रुके रहने से किडनियों पर प्रेशर आने से मरीज को किडनी के रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। ब्लैडर में बार बार पेशाब रुकने से शरीर में यूरिन रिटेंशन होकर शरीर में विषाक्तता बढ़ जाती है और पैरों में सूजन आ जाती है। मरीज को प्रोस्टेट कैंसर भी हो सकता है। अब देखते हैं इसका निदान के जो तरीके हैं वो देखते हैं। फिजिशियन अक्सर रेक्टम में उंगली डालकर एबनॉर्मेलिटी चेक करते हैं। प्लेन एक्सरे, पेल्विक और स्पाइन अल्ट्रासोनोग्राफी,
प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन ब्लड टेस्ट करते हैं, सिस्टोस्कोपी करते हैं, अल्ट्रासाउंड करते हैं, प्रोस्टेट एमआरआई करके भी कंफर्म किया जाता है। इस तरह होते हैं प्रोस्टाइटिस के लक्षण और कारण, निदान के तरीके। अब देखते हैं दोस्तों इलेक्ट्रोहोम्योपैथी ट्रीटमेंट। स्क्रोफोलोसो 4 यह फर्स्ट डाइल्यूशन में 10-10 बूंद दिन में 3 बार देना है। कम से कम इस दवा को 3 बार 3 महीने तक खिलाना है मरीज को, तो आराम ज़रूर मिलेगा और मरीज ठीक होगा। एक्सटर्नल एप्लीकेशन में हमेशा C5 प्रोस्टेट के आजू बाजू के एरिया में अप्लाई करते रहना चाहिए या कॉम्प्रेस लगाना चाहिए। दिन में कम से कम 2 बार भी लगा सकते हैं कॉम्प्रेस, या 1 बार तो ज़रूर लगाए, या वैसे ही हाथों से मलने के लिए मरीज को दिया जाए और वो उसे कहा जाए कि ये ज़रूर लगाए। इस वीडियो सीरीज़ को आगे देखने के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।